भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जिस रचना के माध्यम से गोपी उद्धव संवाद को अभिव्यक्ति दी है, उस रचना का नाम है उद्धव शतक, क्योंकि शतक है करीबन 100 इसमें पद हैं, इसलिए यह शतक परंपरा का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है। प्रसंग वही है जो सूरदास ने उठाया है, निर्गुण पर सगुण की विजय, ज्ञान पर भक्ति की विजय। हमने इस विषय में अपने पिछले वीडियो में कुछ पद व्याख्या के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। हम उसी प्रसंग को यहाँ पर पद की व्याख्या के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। हमने पिछले पद में देखा था कि कृष्ण बहुत दुखी थे ब्रज को याद करके, ब्रज की गोपियों को, राधा को, वहाँ की हर चीज़ उन्हें स्मृति में आती है और दुखी कर जाती है। तब उद्धव उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि सारे संसार में उस सत्य की ही 5 तत्वों के रूप में सत्ता विद्यमान है, ऐसे में आपको इतना दुखी नहीं होना चाहिए। तब श्री कृष्ण उद्धव से जो कुछ कहते हैं उसे हम आज इस पद के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। हम सर्वप्रथम एक बार पद को देखते हैं और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की ओर अग्रसर होंगे। पद है, प्रेम नेम निफल निवारी उर अंतर है, ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान भरी ले हम, कहे रत्नाकर सुधाकर मुखीन ध्यान, आसिन से धोई ज्योति जोई जरी ले हम, आओ एक बार धारी गोकुल गली की धुरी, तब इही नीति की प्रतीति धरी ले हम, मनु सो करे जो सो वनन सिर आखिन सो उद्धव तिहारी सिख भीख करी ले हम। यहाँ पर श्री कृष्ण उद्धव से कहना चाहते हैं कि आपकी सब बातों को हम स्वीकार कर लेंगे, परंतु इसके पहले हम केवल ये कहना चाहते हैं कि एक बार आप ब्रज की गलियों में, गोकुल की गलियों में हो आए, वहाँ की धूल ले आए और फिर हम आपकी हर बात को मान लेंगे। इस तरह एक मानस बना रहे हैं उद्धव का कि वह ब्रज में जाकर गोपियों को भी इस तरह की बात समझाए, क्योंकि कृष्ण का दुख यदि मिट जाता है उद्धव के समझाने से तो गोपियों का भी मिट जाएगा। यही तो ज्ञान का गर्व है कि उद्धव को ज्ञान का गर्व है कि मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबको समझा सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में गोपियों को भी समझाना होगा, क्योंकि कृष्ण को समझा दिया है और कृष्ण जब तक सुखी नहीं हो सकते जब तक गोपियाँ वहाँ पर सुखी नहीं होंगी। तब कृष्ण जो कुछ कह रहे हैं उद्धव से उसे हम समझने का प्रयास करते हैं। प्रेम नेम, प्रेम का नियम, निफल निष्फल, निवारी उर अंतर से, निवारी मतलब हटाकर निवारण करके, उर अंतर से हृदय के अंदर से, मैं इस प्रेम के नियम को जो मैंने प्रेम की प्रतिज्ञा ली है, एक निष्ठा की, उस प्रेम को निकाल कर निष्फल कर दूंगा, अर्थात मैं इस प्रेम की भावनाओं को अपने हृदय से हमेशा के लिए निकाल दूंगा। ब्रह्म ज्ञान आनंद निधान, और जो ब्रह्म का ज्ञान है आपने मुझे प्रदान किया है कि एक ही सत्य तत्व की सत्ता सब में विद्यमान है, वही पंच तत्व के रूप में विभाजित है, उसी से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो मैं उसके उस बात को जो प्रेम के मेरी भावना है, उस प्रेम की भावना के स्थान पर उसे मैं स्वीकार कर लूँगा। ब्रह्म ज्ञान और आपके इस ब्रह्म ज्ञान को, उस सत्य के ज्ञान को, जो आनंद निधान, जो आनंद का खजाना है, बहुत ज़्यादा प्रेम प्रदान करने वाला है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए खुशी प्रदान करने वाला है, ऐसे उस आनंद के निधान, खुशी के खजाने को भरी ले हम, मैं
अपने हृदय में हम स्वयं के लिए प्रयोग किया है उन्होंने, हम अपने हृदय में उसे भर लेंगे। अर्थात में प्रेम की भावनाओं को निकाल कर आनंद का खजाना जो सत्य की बात आपने बताई है कि एक ही ईश्वर है, एक ही सत्य है, उस आनंद के खजाने को, उस बात को पूर्ण रूप से अपने हृदय में धारण कर लूँगा। कहे रत्नाकर, रत्नाकर कवि यहाँ पर कहते हैं श्री कृष्ण के शब्दों में, सुधाकर मुखीन ध्यान, वह सुधाकर के समान अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली ब्रज की युवतियों का ध्यान अर्थात उनका स्मरण करना जो मुझे बार बार स्मरण हो आता है। आंसू न सिद्ध होई, मैं अपने इन आंसुओं से धोकर अर्थात उनके उस ध्यान को अपने हृदय से हटाकर ज्योति जोई ले जरी ले हम इस हृदय के अंदर में आपके उस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति अर्थात ज्योति को प्रकाश को जोई अर्थात प्रकाशित प्रज्वलित जरीले हम जला लूँगा। मैं अपने हृदय में से आपके कहे अनुसार उन ब्रज युवतियों के जो युवतियों इतनी ज़्यादा सुंदरता को रखने वाली है, इतनी ज़्यादा सौंदर्यपूर्ण जिनका चेहरा है कि चंद्रमा के समान कवि ने उसकी उपमा दी है, उनकी स्मृति को भूलकर मैं आंसुओं से उन्हें धोकर अर्थात पूर्ण रूप से उन्हें भुलाकर अपने हृदय में उस ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को ही प्रज्वलित कर लूँगा। परंतु उसके पहले वह एक शर्त रखते हैं और कहते हैं केवल इतना सा काम कर दो, एक बार आओ, एक बार के लिए आप ब्रज जाओ और वहाँ से होकर आओ। हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक प्रथा है जो आपको समझनी चाहिए, हम कभी भी ये कहना नहीं सिखाया गया है कि मैं जा रहा हूँ, ये मैं जा रही हूँ। जो प्रथा है कहने की, जब आप घर से बाहर निकलें तो अपने बड़ों से, अपने घर वालों से जो कहकर जाते हैं वह बात होती है मैं अभी आता हूँ, मैं जाकर आता हूँ, या मैं अभी आता हूँ अर्थात मैं वापस आ रहा हूँ। ये पॉजिटिव बात है और ये हमारे यहाँ कहा जाता है। ठीक इसी बात को, इसी संस्कार को यहाँ पर कवि अभिव्यक्ति देना चाहते हैं और वह कहना चाहते हैं आओ एक बार आप हो आ जाओ। कहाँ से? धारी गोकुल गली की धूरी, गोकुल की गलियों की धूल को धारण कर एक बार आप आ जाओ। क्योंकि पक्की सड़क तो थी नहीं, तो जब व्यक्ति कहीं जाता था तो वहाँ की धूल भी उसको लगती थी, तो ऐसी स्थिति में जब तक जाएगा नहीं, जब तक धूल कैसे लगेगी, वहाँ की मिट्टी कैसे लगेगी। तो कहते हैं एक बार गोकुल चले जाओ, वहाँ की धूल को धारण करके एक बार आप आ जाओ। तब यही नीति की प्रतीति धरी ले हम, तो जो आप नीति की नैतिकता की ये जो बातें कर रहे हैं यही मतलब इस नैतिकता की बात की प्रतीति अर्थात विश्वास धरी ले हम, विश्वास धारण कर लेंगे हम आपके द्वारा कही गई नैतिकता की इस बात पर विश्वास कर लेंगे कि परमात्मा एक है, वही पांच तत्वों के रूप में विद्यमान है, हम और तुम अलग अलग नहीं हैं। इसलिए हमें दुखी नहीं होना चाहिए, किसी मोह में, किसी प्रेम में नहीं पड़ना चाहिए। तब आपकी बात को यदि आप इस तरह से आ जाते हैं होकर ब्रज की गलियों में, वहाँ की धूल को धारण कर यदि आप आ जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलकर आ जाते हैं और फिर भी आप इसी बात को हमसे कहते हैं, तो हम सत्य कहते हैं। मन सो हम अपने मन से, करे जो से अर्थात अपने हृदय से, श्रवणन अर्थात कानों से, सिर से, आखिन सो आँखों से अर्थात पूर्ण रूप से, उद्धव तिहारी सिख है, उद्धव तुम्हारी सीख को, तुम्हारी शिक्षा को भीख करी ले हैं। भीख कर लेना अर्थात स्वीकार कर लेना, हम आपकी शिक्षा को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेंगे। यदि आप बार ब्रज होकर आ जाते हैं और फिर भी यही सीख हमें प्रदान करते हैं, इस तरह से उद्धव का मानस बनाया जा रहा है श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज जाने के लिए। तभी तो उद्धव जाने के लिए तैयार होंगे। और यदि देखा जाए तो परोक्ष रूप से कृष्ण कहना चाहते हैं कि जो कुछ उद्धव कह रहे हैं वह सही नहीं है, उस बात को सही होते हुए भी यदि सही तब मानेंगे हम जब आप
गोकुल में भी इस बात को कहकर आप आएंगे और वे लोग इस बात को स्वीकार कर लेंगे। चाहे कितना ही सत्य क्यों न हो कि ब्रह्म एक है, पर यदि इस संसार को चलाना है तो प्रेम की सत्यता को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसा कवि यहाँ कहना चाहते हैं। हम संसार का प्रत्येक कार्य करते हैं, संसार के प्रत्येक कार्य से जुड़े हुए हैं। वह मोह की भावना भी उसी परमात्मा की एक शक्ति है। जब तक हम परस्पर आत्मीयता की भावना नहीं रखेंगे, जब तक जीवन निर्वाह संसार का निर्वाह नहीं हो सकता। वही मानवता की भावना है, वही इस संसार को चलाने वाली और इससे भी आगे बढ़कर हमें ईश्वर तक पहुंचाने वाली, उस परमात्मा से पुनः मिलाने वाली शक्ति भी है। इस तरह से अपनी बात को ब्रजभाषा के माध्यम से कवि ने बड़ी सुंदर शब्दों में